फॉर्मेट्स के अंदर इफ पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड, इफ कैपिटल्स आर, क्योंकि बेटा पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड देन बेटा दो अकाउंट्स, फर्स्ट वन इज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स फिक्स्ड। बेटा जितने भी पार्टनर्स हो गए, वी हैव टू मेक द सेम नंबर ऑफ कॉलम। टू पार्टनर आर देयर से ए एंड बी, देन वी हैव टू मेक टू कॉलम। इफ थ्री बेटा देन थ्री कॉलम, इट डिपेंड्स। फोर पार्टनर देन बेटा फोर कॉलम फॉर अमाउंट्स, टू पार्टनर देन टू कॉलम, थ्री पार्टनर बेटा थ्री कॉलम्स। सो इफ पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड, देन द फर्स्ट अकाउंट विच इज टू बी प्रिपेयर बेटा विद द नेम ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन वी हैव टू मैंशन देयर टू बैलेंस, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज बेटा पार्टनर्स कैपिटल और कैपिटल ऑलवेज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा मैंने बोला था नॉर्मली रिमेन अनचेंज्ड, बट कुछ एक सर्कमस्टांसेस रहेंगे जहां पर चेंज पॉसिबल है। वो कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे? अगर बेटा कभी कई बार कैश इंट्रोड्यूस करा, ठीक है, अगर पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बाद अगर कुछ और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा, उस केस में पार्टनर्स कैपिटल चेंज हो गए, अदरवाइज नहीं। तो क्या होगा बेटा, एज इट इज जब इसको क्लोज करोगे आप, तो बेटा ये एज इट इज क्या हो जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। ये सेम बैलेंस इज बेटा यहां पर, तभी उसके अंदर लिखा था दीज कैपिटल बैलेंस इज नॉर्मली अनचेंज, रिमेन अनचेंज। ठीक है, तो एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे जहां पे चेंजेस की पॉसिबिलिटीज होंगी, अदरवाइज नॉर्मली अनचेंज्ड। देन बेटा नेक्स्ट वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। बेटा इन दिस अकाउंट, करंट अकाउंट के अंदर बहुत सारी आइटम बेटा हमने पोस्ट करनी है विच आर करंटली एडजस्टेड, मतलब दोज आइटम विच आर रिलेटेड विद द करंट ईयर जिसके हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो उस ईयर के अंदर जो भी एडजस्टमेंट बनेंगी बेटा उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्टिंग। इस पोस्टिंग के अंदर नॉर्मली अगर करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कौन से बैलेंस है बेटा, करंट अकाउंट के, और करंट अकाउंट के बैलेंस मे बी क्रेडिट और डेबिट, बट नॉर्मल कैपिटल बैलेंस इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो बेटा जो करंट अकाउंट के कैपिटल बैलेंस हो गए, मे बी क्रेडिट और मे बी डेबिट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस अकाउंट के बैलेंस याद रखना आपने, करंट अकाउंट के, जो भी दिए होंगे जैसे भी। बाकी बेटा जो भी करंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी कहां अपीयर होंगी, सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो बेटा जी उस अकाउंट से हमने वो सारी आइटम पोस्ट करनी है इन कैपिटल करंट अकाउंट के अंदर, और अमाउंट बेटा कंसर्न पार्टनर के कॉलम के अंदर। तो बेटा नॉर्मली क्या क्या रहता है वहां पर, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसका भी रहेगा, बाय सैलरी जिसकी भी होगी बेटा वहां पर, बाय कमीशन जिसका भी रहेगा, और बाय बेटा प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है, एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट जो करोगे, बाय प्रॉफिट। देन टू ड्रॉइंग्स, देन बेटा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, ये बहुत सारी एडजस्टमेंट है बेटा विच आर रिलेटेड विद द करंट ईयर। ठीक है जी, एज पर देयर एग्रीमेंट। और बेटा सारा कुछ कहां मिलेगा हमें, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। और देयर इज अ वेरी सिंपल रूल बेटा रिगार्डिंग पोस्टिंग, दोज आइटम विच आर अपियर ऑन द डेबिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट।
एंड दोज आइटम विच आर अपियर इन द क्रेडिट साइड कंसर्न विद द पार्टनर विल बी पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट. एंड बट एट लास्ट कंपेयर बोथ द साइड बैलेंसिंग द अकाउंट. द बेटा बैलेंस मे बी ऑन डेबिट साइड टू बैलेंस कैरिड ऑन और मे बी क्रेडिट साइड. वो डिपेंड करेगा कि कौन सा बैलेंस कहां बैलेंस. ठीक है जी. तो बेटा इफ पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड इन दैट केस बेटा फर्दर वी हैव टू मेंटेन टू अकाउंट्स बेटा नेमली पार्टनर्स कैपिटल सेकंड वन इज द पार्टनर्स करंट अकाउंट. सो इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेन कैपिटल अमाउंट टू बी डिस्क्लोज और बेटा दीज बैलेंस इज नॉर्मली अनचेंज रिमेन अनचेंज. ठीक है जी. देन बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट. इन दिस अकाउंट ऑल दोज आइटम which are adjusted in the current year, which are appear in the profit and loss appropriation or which are related with the current year will be posted to the beta partners capital, sorry partners current account. Those item which are related with the partner and appear in the debit side of profit and loss appropriation account should post it to credit side or beta item appear in profit and loss appropriation account related with the partners transfer to the debit side. So at last after making posting beta compare balancing both the sides and at last beta we will get the balance maybe to balance carried on or maybe by balance carried on it depends. And इसी के साथ बेटा जो second है second account बेटा if partners capitals are if partners capitals are fluctuating then beta only one account is prepared namely partners capital account. beta is account ke andar jo bhi item partners se related hai chahe wo current year ke hai beta chahe wo previous year ya balance chalti aa rahi hai we have to disclose in this account only. theek hai ji. matlab if fixed then beta two accounts to be prepared और फिक्स के अंदर क्या हो गया यहां पर मेन बैलेंसेस और करंट ईयर वाली आइटम्स ये सारी. बट इफ द पार्टनर्स कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग देन ओनली बेटा वन अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर और उसका नेम क्या रहेगा यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और बेटा दूसरी चीज जो याद रखनी है आपने इफ नथिंग इज मैंशन अबाउट वेदर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग देन बेटा ऑलवेज प्रेफर फ्लक्चुएटिंग वन अकाउंट. और उस अकाउंट के अंदर वो सारी ट्रांजेक्शन बेटा पोस्ट होंगी जो यहां पे अलग अलग थी. तो किस वे से बेटा ये बाय बैलेंस मेन बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन देन बेटा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन बेटा बाय सैलरी ये सारी आइटम्स कहां मिल जाएंगी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड. सिर्फ वो ही आइटम पोस्ट होंगी बेटा विच आर रिलेटेड विद द पार्टनर्स बाय कमीशन सैलरी देन बेटा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इफ ड्रॉइंग्स आर देयर देन बेटा टू ड्रॉइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और एट लास्ट बैलेंस बैलेंसिंग द अकाउंट. तो बेटा यहां क्या आ जाएगा टू बैलेंस carried on closing balance. तो बेटा ये main difference था between partners capital account. ठीक है. तो बेटा दो तरह के partners capital थे एक fixed और दूसरा fluctuating. ठीक है जी. fixed and fluctuating. अगर कुछ mention नहीं है बेटा question के अंदर कि कौन सा capital account prepare करना आपको fixed या fluctuating उस case के अंदर बेटा we have to prefer the fluctuating capital account. ठीक है. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बेटा अंडर फिक्स बेटा फर्दर टू अकाउंट्स इज टू बी प्रिपेयर वन इज अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज अ पार्टनर्स करंट अकाउंट. ठीक है. तो करंट अकाउंट के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन्स होंगी बेटा दोज विच आर रिलेटेड विद द करंट पीरियड करंट ईयर. ठीक है. और इसके बैलेंसेस और इन फ्लक्चुएटिंग
बेटा ऑल द ट्रांजैक्शन टू बी डिस्क्लोज विच आर रिलेटेड विद द पार्टनर्स एज पर बेटा पोस्टिंग रूल. और पोस्टिंग रूल इज द आइटम विच आर अपियर इन द डेबिट साइड शुड बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड एंड बेटा द आइटम विच शुड बी अपियर ऑन द क्रेडिट साइड शुड बी पोस्टेड टू द डेबिट साइड. But the condition is what? The item, only those items to be posted here which are related with the partners. ठीक है जी. तो बेटा बेसिक फंडामेंटल के अंदर बेटा आपके पास दो मेन अकाउंटिंग की टर्म थी यहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सेकेंड वन बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है जी. तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था बेटा वहां भी दो केसेस पढ़ के आए थे हम यहां पर, वेन एग्रीमेंट इज देयर और वेन एग्रीमेंट इज नॉट देयर. तो उसके अंदर जो जो पॉसिबिलिटी थी देन पार्टनर्स कैपिटल के अंदर मेजर डिफरेंस बेटा यहां पर, ठीक है, इसके अंदर दो अकाउंट रहेंगे नॉर्मली, वहां पे एक अकाउंट. इसका जो नॉर्मल बैलेंस है बेटा नॉर्मली अनचेंज और करंट अकाउंट का चेंज, वेदर डेबिट और वेदर क्रेडिट बैलेंस, बट फ्लक्चुएटिंग का बेटा ऑलवेज चेंज. और इसका बैलेंस बेटा हमेशा ही क्रेडिट रहेगा, डेबिट नहीं. ठीक है जी. बट करंट अकाउंट का बैलेंस मे बी डेबिट बैलेंस और मे बी क्रेडिट बैलेंस. ठीक है जी. आज बेटा एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. से बेटा टू पार्टनर्स आर देयर एक्स एंड वाई. ठीक है. इनके बेटा कैपिटल्स गिवन है 5 लाख एंड 4 लाख. ठीक है जी. देन बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. इनकी ड्रॉइंग्स गिवन है ₹10,000 and ₹20,000. देन बेटा ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है हमें 2,000 and ₹3,000. ठीक है जी. सैलरी ₹500 पर मंथ यहां कुछ नहीं है. कमीशन यहां कुछ नहीं है बेटा, यहां पे ₹1,500 है. ठीक है. और उसके बाद बेटा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹1,00,000. इसको 2 लाख कर लेते हैं. ठीक है जी. तो यहां पे क्या कह रहा है आपको, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल. अब बेटा इस केस के अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट की बात करी है उसने, ना तो फिक्स की बात करी है ना तो फ्लक्चुएटिंग की बात करी है. वो क्या शो कर रहा है बेटा यहां पर, मैंने अभी बताया भी आपको कि अगर पार्टनर कैपिटल के बारे में कुछ मेंशन नहीं है देन बेटा ऑलवेज प्रेफर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तब आपका एक ही अकाउंट बनेगा. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहला जो अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर या एज ऑन डेटेड और इसके अंडर जो जो इंफॉर्मेशन आपको बेटा उनसे रिलेटेड गिवन है. इसका बेटा जो नेचर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का वो नॉमिनल अकाउंट का नेचर है. तो बेटा सबसे पहले बाय प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेबल बेटा गिवन है हमें यहां पे 2 लाख. ठीक है. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो रेट इज गिवन बेटा फॉर एक्स कैपिटल एंड फॉर वाई कैपिटल 10% ऑफ दिस 50,000. देन बेटा 10% ऑफ 4 लाख 40,000. ये आ गया बेटा 90. देन ड्रॉइंग्स बेटा आपकी रेवेन्यू नेचर आइटम नहीं है. देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल. तो बेटा ये इंटरेस्ट इज ऑलरेडी गिवन 2,000 एंड
3000, ये आ गया 5000, ठीक है। देन आफ्टर दैट बेटा सैलरी, सैलरी इज गिवन टू किसको मिल रही सैलरी बेटा, एक्स। तो ये बेटा पर मंथ है, अगर पर मंथ है बेटा उसको कन्वर्ट करना आपने एनुअली, तो क्या हो जाएगा 500 पर मंथ इंटू 12, 6000। देन बेटा कमीशन, कमीशन इज ओनली गिवन टू वाई, तो बेटा वाइज कैपिटल एन अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन 1500। तो बेटा ये वो सारी इंफॉर्मेशन थी। हाँ, लास्ट में क्या करेंगे बेटा, यहां पे क्लोज बैलेंसिंग द अकाउंट, टोटल बेटा 2,05,000, ठीक है। यहां भी क्या चाहिए 2,05,000, और बेटा सारे क्या थे एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 90,000, 96,000, 97,000, 96,000, 97,500, और बेटा इसको हम माइनस करेंगे यहां से 2,05,000 में से 97,500, तो बैलेंसिंग अमाउंट ये आ जाएगा आपका 1,07,500। तो बेटा इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, ट्रांसफर्ड प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल, ठीक है। बेटा रेशियो नहीं गिवन है, तो रेशियो क्या हो जाएगी 1:1, तो इक्वली आप डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय 2 कर दो यहां पर, 5, 3 to the 6, 7, 53,700। तो बेटा हो गया फर्स्ट स्टेज आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन बेटा सेकंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल, वो भी कौन सा बेटा, फ्लक्चुएटिंग। तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेटा, दो ही पार्टनर अज्यूम किए हमने यहां पर, एक्स और वाई, तो बेटा सबसे पहले इनके कैपिटल बैलेंसेस विच इज ऑलरेडी गिवन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटा, ये 5,00,000 और एक का 4,00,000, ठीक है जी, ये इनके बैलेंसेस। देन बेटा कैपिटल नेचर की आइटम, कैपिटल हो गया यहां पर, एक बेटा कैपिटल नेचर की ड्रॉइंग्स, टू ड्रॉइंग्स, तो बेटा ड्रॉइंग्स भी गिवन है हमें 10,000 एंड 20,000, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा जो जो आइटम अपीयर ऑन डेबिट साइड बेटा शुड बी पोस्टेड टू, मस्ट बी पोस्टेड, शुड बी पोस्टेड टू क्रेडिट साइड, पर बेटा कंडीशन क्या है कि आइटम किससे रिलेटेड होनी चाहिए, आपके पार्टनर से, ठीक है। तो बेटा यहां पर पहले डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का अमाउंट था बेटा यहां पर 50,000 एंड वाई का अमाउंट था यहां पर 40,000। देन सैलरी, सैलरी इज गिवन टू ओनली बेटा एक्स पार्टनर विच इज 6,000, तो बेटा किस कॉलम के अंदर, एक्स कॉलम के अंदर। बाय कमीशन इज ओनली गिवन टू वाई, तो बेटा कमीशन कितना यहां पर 1500, किसको मिल रहा है, वाई को, ठीक है जी। देन आफ्टर कमीशन बेटा प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो बाय प्रॉफिट 53,750 एंड 53,000, बिकॉज बेटा इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन थी, तो हमने क्या करा वहां पर इक्वल रेशियो। कहीं भी बेटा पार्टनरशिप के अंदर अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया बेटा, ऑलवेज टेकन इक्वली, ठीक है जी, इक्वली डिवाइड होगा, तो प्रॉफिट डिवाइड हो गया। यहां से बेटा इंटरेस्ट पार्टनर से रिलेटेड है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 2000 एंड, और बेटा एट लास्ट बैलेंसिंग द अकाउंट, ठीक है जी। तो बेटा यहां से क्या मिल जाएगा आपको, टू बैलेंस। तो बेटा आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन, उसके अंदर हाउ टू प्रिपेयर द, बिकॉज बेटा इन दिस क्वेश्चन एग्रीमेंट इज देयर, बिकॉज डीड प्रोवाइड सम कंडीशंस,
तो उन कंडीशंस को लेकर क्या क्या गिवन था बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन था, ड्रॉइंग्स गिवन थी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन था, सैलरी। तो एज पर द इंफॉर्मेशन बेटा रिक्वायरमेंट क्या थी क्वेश्चन के अंदर, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कुछ मेंशन नहीं था कौन सा अकाउंट, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, देन ऑलवेज प्रेफर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहले हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट फाइनलाइज करा और उसके बेसिस के ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंगली बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात नहीं करी थी, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो। तो बेटा जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट था आपका 107,500 आफ्टर एडजस्टिंग दीज आइटम्स, उसको आपने इक्वल रेशियो में डिवाइड करा दोनों पार्टनर्स के बीच में एंड फर्दर पोस्टेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब बेटा इसके बाद जो मेन आपके पास टर्म्स आ रही हैं बार बार जिनसे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आएंगी बेटा, अदरवाइज बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग यही है, ठीक है। तो बेटा इसमें जो प्रॉब्लम्स पॉसिबल है उन प्रॉब्लम्स के अंदर क्या आता है बेसिकली, अगर हम प्रॉब्लम की बात